सुस्वागत है जी एक बार फिर आप सब का अज के इस रिलीजियस सैगमेंट में। पिछले हफ्ते सदबाणी की व्याख्या भाई साहब भाई शमशेर सिंह जी कपूरथला वाले ने साडे नाल सांझ पाई सी, उसी संबंध में आओ मुड़ तो तुहानू जोड़दे हां। पंजवीं ते छेवीं पौड़ी में सानू की उपदेश मिलता है भाई साहब जी तो जानकारी लैंदे हां। जी हां जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो पिछली बार जो गल की सी कि जिस तरीके मनमत फैलती जा रही है उस संबंध में गुरु साहब के बारे भाई सुंदर जी ने जो इस सदबाणी में लिखे है सानू कुछ होर ही मैसेज मिलता है, पर क्यों असी भुल बैठे हैं जो कि गुरबाणी गुरु साडा गुरु ग्रंथ साहिब हर एक कोई नमस्तक होंदा है। सो गुरु ग्रंथ साहिब जो कुछ लिखा गया कि जी मातम नहीं मनाना, तुसी उस समय रोना नहीं हैगा, ये नहीं करना वो नहीं करना, पर असी वही सब कुछ कर रहे हैं जिहड़ा कि गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखा गया उसके उल्ट। इसका कारण है जी, कारण यह है कि पहली तो गल है कि असी गुरबाणी आप नहीं पढ़ते जी, जे पढ़ने हैं तो महज पढ़न तक सीमित रखते हैं जो सतगुरु जी का उपदेश है उस शब्द में है, असी उस उपदेश के नाल नहीं जुड़ते जी। जे अर्थ भी आ गए तो असी अगला सी कि सतगुरु जी का जो उपदेश है उसनों अपने जीवन का आधार बनाना कर्मा का जी, बस असी वो नहीं। यही गल है, यही गल है कि गुरबाणी पढ़द्या सुनद्या भी मनुख गुरु के उपदेश के मुताबिक तुरन का यतन नहीं करता जी, मन मत कर लेंदा है जिवें लोग करते ने उवें करदा है, तदी वो ना सतगुरु ने जो उपदेश दिता उते जे मर गया तो रोंदा है जमदा है तो सोले गाँवदा है मनुख का सुभाव है। शमशेर सिंह जी असं देख रहे हैं कि छोटी मोटी भी कोई चीज़ होए तो अकाल तख्त तो हुक्मनामा आ जाता है, पर यह चीज़ क्योंकि एक अटल सच है हर किसी ने एक दिन मरना है तो हर एक घर के यहोजी परंपरा जी है उसनों फॉलो किया जाना है। तो तुसी की समझते हो क्यों नहीं इस पासे ध्यान दिता जा रहा है, जेकर सारा कुछ ही मनमत चल रही है एडे वड्डे स्केल पर क्यों नहीं इसके बारे कुछ हो रहा? असल में गल ये है जी, सच्चाई ये है कि अकाल तख्त सत्कारयोग हैं जिहड़े उत्थे जिम्मेवारी निभा रहे हैं, पर सिद्धांतक तौर उत्ते परिपक्व होना वो गल होर हुंदी है क्योंकि सरकारी तौर पर तो ये अकाल तख्त के नाल हुआ कि जिवें सरकार का गलबा अकाल तख्त जी। सरकार दी जो बेसिक तौर पर नीड है वोटां दी तो वो धर्म नूं भी वोटां दे पक्ष विच वेख्या जा रहा है क्योंकि जो ये रहत मर्यादा है आम तौर पर जितना साध डम है जितना साध डम है सारे का सारा इसके विरोध में खड़ा है, वड्डी गिणती विरोध खड़े होने ये नहीं लेंदे कि जे असी मर्यादा इन बिन चालू किया तो ये वोटां खिसक जाणियां है, उन्होंने वोटां प्यारियां है उन्होंने सत प्यारा नहीं धर्म प्यारा नहीं, धर्म उन्होंने जरूर राजनीति बना लिया धंधा बना लिया, लेकिन चाहिए सी कि राजनीति जिहड़ा आप कहने ना जी भी सिख की राजनीति तो धर्म दोवें इकट्ठे चलते हैं, इसका असल लॉजिक यह है कि सिख की राजनीति धर्म की रहनमाई में चलती है। ठीक, चलनी होनी चाहिए सी। हाँ सिख चलती है चलनी चाहिए, पर साड़ी जिहड़ी इस वक्त मौजूदा स्थिति है साडा धर्म राजनीति की रहनमाई चलता, यही गल है कि अकाल तख्त का जथेदार साहब अपनी मर्जी चाहद्या भी नहीं कर सकता भाई, वो चाहन भी राइट वो समझते हैं कि गल गलत है समझते हैं ये मर्यादा चालू होनी चाहिए है, पर आप वो श्रोमणी कमेटी के गुरुद्वारों में यह मर्यादा चालू नहीं जी, वो तो किसी रहे साधा के डेरिया उन्होंने अपनी अपनी मर्यादा जी। फिर इस लाने ने साध जिहड़ा संत समाज बनाया जी, अज तक ये असल संत समाज नहीं ये संत यूनियन है, जिवें मजदूर यूनियन होंगे दूसरी ये संत यूनियन है, जो एक यूनियन के कोई बंदे आता यूनियन समझती साढ़े से, उदाहरण के तौर पर पिछे जी बारी एक होया सी एक मनुख ने कोई गीत गाया एक गायक ने जी, उस विच किसी उन्हें संत दे नाल कोई जुड़ियां गल्लां ते एक संत टंडरियां वाला जी उस सब तो पहलों वो जवाब देने लई तैयार होया, हालांकि उसनों नहीं सिखिया जी, नाम नहीं सिखिया, क्यों किया क्योंकि उन्हों लगता सी भी ये संत समाज ते अटैक कीता है, यूनियन ते हमला साढ़े ते हमला है जी, ते इवें ज्ञानी जी जे अकाल तख्त दे जथेदार सिंह साहब चाहुण भी ते उह अवस्था विच नहीं कर सकदे क्योंकि उन्होंने अपनी लाचारियाँ कुछ मजबूरियाँ वो उन्होंने वोटा प्यारियाँ उन्होंने धर्म नहीं प्यारा राइट तो उन्होंने जिन्होंने वोटा ने उन्होंने जीवन की सही मर्यादा नहीं प्रवान उन्होंने रोले कचोले चाहिए हाथ बजे हुए जी, हाँ जी रोले कचोले जिन्ना दुनिया वहम भरम ज्यादा होगी तो उदो उन्होंने चेले ज्यादा बन गए लोग पैसा देने हैरानी की गल है कि जो पैसा दे रहे वह साइकिल से चढ़े आए जो साध पैसा लै रहा है वह विदेशी कार से हिंदुस्तान घूमता है, बिल्कुल जी ये तो है ही हकीकत, प्रभाव सीधा अकाल तख्त के नाल जुड़िया, इस करके तुहाडा सवाल सी भी बन उतों क्यों नहीं हुंदा, इस करके उतों नहीं हुंदा कि वोटां दा बंधन उसके पैरां विच है। पंजवीं पौड़ी दे विच एक बड़ी मिस इंटरप्रिटेशन हुई हुई है जी इसकी, तो इसनों बड़े वक्रे तरीके नाल पेश किया जाता है, ये बारे में चाहूँगा विस्तार विच गल। हाँ जी, पहलों इस पौड़ी का पाठ कर लीए फिर उसते करांगे।
सतगुरु जी के अमृत वचन। हाँ जी, अंते सतगुरु बोलिया मैं पिछे कीर्तन करहु निर्वाण जियो जी, केसो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो, हर कथा पढ़िए हर कथा सुनिए हर विवान हर रंग पावे, पिंड पत्तल क्रिया दीवा फुल हर सर पावे, हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो, रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो जी। ज्योति ज्योत समाण वेले सतगुरु अमरदास साहब जी ने आख्या हे भाई मेरे पिछों निरोल कीर्तन करियो। केशव गोपाल का अर्थ है अकाल पुरख दे पंडता, भाव कि सतसंगियां नू सद घल्लियो जो आके अकाल पुरख की कथा वार्ता रूप पुराण पढ़न, ना कि गरड़ पुराण। अकाल पुरख की कथा रूप वार्ता जो है वार्ता रूप पुराण पढ़न जी, चेता रखियो जे मेरे पिछों अकाल पुरख की कथा ही पढ़नी चाहीदी है, अकाल पुरख का नाम ही सुनना चाहीदा है। बेबाण भी बेबाण नू अकाल पुरख का प्यार ही चंगा लगता है, बेबाण भी गुरु नू अकाल पुरख का प्यार ही चंगा लगता है जी। गुरु तो पिंड पत्तल क्रिया दीवा अते फुल इन सबना नू सतसंग तो सदके करता है। अकाल पुरख नू प्यारे लगे हुए गुरु ने उस वेले इयों आख्या, सुंदर जी कहिंदे ने अकाल पुरख तू प्यारे लगे सतगुरु जी ने इयों आख्या की आख्या, कहिंदे सतगुरु नू सुजान अकाल पुरख मिलिया मिल पिया है जी। गुरु अमरदास जी ने सोढ़ी गुरु रामदास जी नू गुरियाई दा तिलक अते गुर शब्द रूप सच्ची राहदारी बख्शी है। ओके, जिहड़े शब्द है ने विच इस दे आए जी, इहदे विच हुण जिस तरह तुसीं केशव गोपाल पंडित दी जिहड़ी गल हैगी है, हाँ जी, कि वो तो ये लिखा गया कि जी बुलाना है, पर दूसरे पास असी देखते हैं कि गुरु साहब तो शुरू तो ही जो जड़ी जिनी भी बाणी पढ़ी है सी किसी विचोले तो पाया नहीं, पर इतने फिर किमें लिखा है जी? इतों ये है जी, जिहड़े आम तौर पर यह हो रहा ना, ये शब्द आया है जी कि केशव गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो जी, हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग पावे, पिंड पत्तल क्रिया दीवा फुल हर सर पावे जी। इस पौड़ी की दूसरी तुक लफ्ज़ विच केशव गोपाल पंडित आया जी, ते लफ्ज़ केशव ते गोपाल दोवें ही परमात्मा लई गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज हन, ओके, किसी व्यक्ति लई नहीं। लफ्ज़ केशव भगत कबीर साहब जी ने अपनी बाणी श्लोक अंदर वरत्या है, कबीर केशव केशव कूकिए ना सोइए आसार, रात दिवस के कूकने कबहू के सुने पुकार। इसे तरह ही गोपाल लफ्ज़ जो है जी भगत नामदेव जी ने अपनी बाणी विच परमात्मा लई वरत्या है, गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करंते तिनके कास स्वार। गर्ज के ये जिहड़े दोवें शब्द ने केशव ते गोपाल ये परमात्मा लई संबंधित हन। अगला लफ्ज़ है पंडित, इस दी जे लिखती बनतर बनाए पप्पे उत्ते टिप्पी है डड्डे नूं सिहारी ते तत्ता, गुरमत दी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे व्याकरण दे अनुसार ये बहुवचन है, एक वचन नहीं बहुवचन नहीं, व्याकरण दा हिसाब नाल पंडित करता वाचक बहुवचन है जी। ते जिवें उदाहरण दे तौर ते सतगुरु जी ने लिखे ने, कहिंदे गावन पंडित पढ़न रुखीसर जुग जुग वेदा नाले, ये जप साहब दे अंदर जी, पढ़ पढ़ पंडित जोत की वाद करें विचार श्री राग महला तीजा, बारों पंडित सदाएं दे मनो मूर्ख गवार, ये मारू की वार दा महला तीजा दा शब्द है जी। वेद पढ़े पढ़ पंडित मूए रूप देख रेख नारी, सोठ राग विच कबीर साहब दा शब्द है, ये सारिया च पंडित तत्ता मुक्ता आया है, पंडित बहुवचन आया है। लफ्ज़ पंडित एक वचन करता कारक वचन है, पर इस तत्ते दे थले अंकल लगता है जी, ये कर्मवाच है सतगुरु दे गुरु ग्रंथ साहिब विच जो आए ने, पढ़ पढ़ पंडित वाद बखाणे पीतर होंदी वस्त न जाने, गौड़ी राग दे विच गुरु नानक साहिब जी का पहले महले का शब्द है जी, पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया, ये पंडित तत्ते नमुक्ते वाला एक वचन है। ये है ग्वाड़ी गौड़ी ग्वरेरी महला चौथा दे अंदर, माया का मोहताज पंडित कहावै गौड़ी महला तीजा अष्टपदियां विच, सो पंडित जो मन पुर बुद्ध है राम नाम आत्म है सोध है, ये सुखमनी साहब सतगुरु पंचम पातशाह जी ने। सो ये केशव गोपाल पंडित का अर्थ है सतसंगी, सतगुरु की हदायत है
कि परमात्मा दे पंडतां भाव सतसंगियां नूं बुलाउणा। इस जे अगलेरा शब्द जो है वह हर हर कथा पढ़े पुराण जी। तो तुहाडा कहिंदा मतलब कि केशव गोपाल पंडित जिहड़ा हैगा कि पंडित नूं नहीं संबोधन कर रहे, जबकि साध संगत जो है सतसंगी लोग सतसंगी लोग बाणी पढ़ने वाले उन्हां नूं जी। अगे की लिखिया गया जी, इस बारे भी गलबात करदे हां इस छोटी जी ब्रेक तों बाद जी। सो स्वागत है जी ब्रेक तो बाद एक बार फिर आप सब का अज्ज दे इस प्रोग्राम में। असं देख रहे हैं कि मिस इंटरप्रिटेशन जो गुरबाणी की हो रही है, उस कारण असी जो भाव अर्थ है वो समझ नहीं सक रहे। गुरु साहब ने जो सानू कहा सी, अज तो केशव गोपाल पंडित की गल आती है तो असं तो यह समझते हैं कि शायद गुरु साहब के बारे ये कहा गया है कि किसी पंडित नूं बुलाया जाए। तो अज तो असं ऑफकोर्स पंडित नूं तो नहीं बुलाते, पर ज्ञानियों नूं जरूर बुला लैंदे आ। जां असी यह भी करते हैं कि पांच सिंह जरूर होने चाहिए ने, तो उन्होंने जो है प्रसाद भोजन खवाया जाए। इस संबंध में आओ होर जानकारी लेने भाई साहब भाई शमशेर सिंह जी तो। जी भाई साहब जी, सो जी मिस इंटरप्रिटेशन हो रही जो बहुवचन की तुम गल की, ये तो व्याकरण के स्पष्ट तौर उत्ते आ जाता है, पर फिर भी क्यों नहीं समझ रहे से? क्योंकि आप अज्ञानी लोग ने पहली गल। दूजी गल ये है कि वो चाहते ने कि जिहड़ा आम मनुख ज्ञानवान ना हो जी। आम ज्ञानवान मनुख हो जाएगा तो उन्होंने सवाल करेगा। ठीक, तो ज्ञानी जी तुसी सानू ये कह रहे हो तो तुहाडी जिंदगी च ये है जदों कि शब्द के अर्थ इस तरह बनते हैं। इस करके उन्होंने इस यहो जिहा ज्ञान दिता ही ना जाए जी। दूसरी गल वो समझते कि अगर लोग भरम भुलेखिया विच रहणगे उतने लाई लग रहणगे जी। लाई लग मनुख दूसरे के मगर तुरदा है, साढ़े मगर लाना तुरेगा। ठीक, ये कारण है। सो अगे की है जी? अगे जी केशव गोपाल पंडित भी, ये पंडित कोई विशेष पंडित ले, कोई केशव गोपाल नाम का पंडित नहीं है। ये है परमात्मा के नाम जपण वाले सतसंगी जिहड़े ने। ठीक है, भी उन्होंने सदना वो जिहड़े है। अगर एक पंक्ति आई है जी, हर हर कथा पढ़े पुराण जीओ, तो वेख वो कहिंदे जी प्राण की गल ही लिखिया सतगुरु ने प्राण पढ़ना विच, क्योंकि हिंदू की करते ने वो गरुड़ पुराण की कथा करते हैं जी। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਗਰੜ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਗਰੜ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗੀ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹ, ਪਰਮਾ ਗਰਜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਬਾਣ ਹਰ ਰੰਗ ਭਾਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਬਾਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਗੁਬਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੇ ਛੁਆਰੇ ਸੁੱਟਣਗੇ, ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਬੁੱਢਾ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਵਰਥੀ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਅਰਥੀ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਮਸ਼ਕਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਂਬੂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਪਾਲ ਮੋਚਣ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਭੰਨ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਪਾਲ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਗੀਠੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲ ਉੱਠੇ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗੀਠਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਣੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਚੁੱਜ ਹੱਡੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣੇ ਚੁਗਣੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਇਹ 99% ਸਿੱਖ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 99% ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਰੀ ਮਨ ਮੱਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗੀਠਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ। ਅੰਗੀਠੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਖ ਸਮੈਤ ਉਹ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਟੋਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਬ ਕੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉੱਤੋਂ ਕਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅੰਗੀਠਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੰਗਾ ਜਲ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ।
उवें ही भांडे विकते हैं। हुण आ थोड़ा दिन होया ब्यास दरिया के कंढे गोइंदवाल तोरे किसे संत ने डेरा बनाया कि उत्थे बनाया इत्थे आके फुल भरिया उत्थे भी उस सब कुछ भांडे विकने हो गए। भांडे उस लई पंज भांडे लैके दिंदे ने उहनूं पहुंचणे ने जी। गुरु कहिंदा कि वड्डीए हथ दलाल के मुसफीए करे ते असीं पहुंचाउणे आ। मनमत इतनी गुरमत का लबादा पा के मनमत नूं पेश कीता जा रहा है। ज़ारा तौर पर मनमत कोई खतरनाक नहीं, खतरनाक यह है कि गुरमत का लबादा पाया जा रहा है। गुरमत का उपदेश देने वाला मनुख ही मनमत की बात कर रहा है जी। तो साहब जी अगली जो पंक्ति कहते बेबाण हुआ है हर रंग, हर रंग का अर्थ है प्रभु का प्यार, रंग का अर्थ है प्यार गुरभावे। बेबाण हर रंग का अर्थ है हरी का प्यार रूप बेबाण, भावे का अर्थ है गुरु नूं चंगा लगता है जी। ये हुक्मी भविख्त नहीं, ग्रामर का पक्ष हुंदा हुक्मी भविख्त काल, ये हुक्मी नहीं, ये प्रेजेंट की गल है जी। गुरु नूं ये चंगा लगता है भाव के गुरु नूं हरी का प्यार रूप बबाण ही चंगा लगता है। इस तरह इस पौड़ी की चौथी तक आया है पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे जी। तो वह लोग की अर्थ कढ़ते ने कि वेखो गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया है कि फुल जिहड़े ने पिंड ते पत्तल जी। पिंड पत्तल का अर्थ है जी है जी वह पत्तलां उपर जवां दे आटे रख के जदों हिंदुआं विच कोई संस्कार किस तों बाद उस दे 13 दिनां दे बाद हुंदा है उसका आखिरी उदों जवां दे आटे रख के ते वगदे पाणी दे उत्ते तैरदे ने जां किसे दिंदे ने उह कहिंदे इह मृतक दे खाण लई है। इहनूं कहिंदे ने पिंड पत्तल जी। किरिया किरिया जिहड़ी आखिरी किरिया करदे ने उह अपनी उह ते फुल चुगियां होई हड्डियां ये सारा ही सतगुरु जी का जो हुक्म है। कहिंदे सतगुरु कहिंदे ये जो वो लोग कर रहे ने सतगुरु ये सब कुछ नूं भावें वह पिंड पत्तल किरिया दीवा वो दीवा 365 दिन वो समझते ने कि 360 दिन लगने ने आत्मा नूं अगे जानण तक जिथे जाना है उसने। अच्छा जी। राह बड़ा अंधेरा है उबड़ खाबड़ है इस करके रोशनी लई उस प्राणी दे तुर तों जाण उस तों बाद 360 दिन जिहड़ी है रोशनी होनी चाहीदी है। तो उन्हां विधान की बनाया है कि 360 बत्तियां वट के ना जी एक बारी तो उन्हां तेल पा के उच थोड़े तेल पा के एक बारी साड़ दे लो जी रोशनी हो गई। या शिव दे मंदर शनि दे मंदर विच हर रोज़ जिहड़ा है तेल पहुँचाउणा है 360 दिन जी। सतगुरु गुरमत की यह गल नहीं, गुरमत की गल यह है जो प्रमाणी का जो आत्मा है आत्मा मनुख दे कीते कर्मा अनुसार जी या तो परमात्मा ना आभेद होगी या जौन गति विच द्वारा पै गई जी। उसने आत्मा कदी खुराक नहीं खाँदी, आत्मा नूं कदी किसी चीज़ जरूरत नहीं है। तो गुरु जी महाराज जी कहिंदे ने कहिंदे कि ये जो गर्ज के पहलों सी गुरमत दे विच रहना है कीर्तन करना है ते मेरे ऐ जे तुसीं फुल जां ये क्रिया नहीं करनी मैं इन्हां शब्दां नूं इन्हां चीज़ां नूं सत संगत तों वारदा हाँ गर्ज के मेरे वास्ते सत संगत ही चंगी है जी। सत असल विच इन्हां चीज़ां दा अर्थ है पर असीं अपनी अपनी खुदगर्जी दे नाल अपने अपने कुछ ज्ञान दी होमे दे नाल गुरु के शब्द को अक्सर बहुतियां नूं तरोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। उही कारण है जी कि ये चीज़ा प्रचलित हो रही ने क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है तो यह सारा कुछ जो है साड़ी प्रीस्ट क्लास जी उही करा रही है। छेवीं पौड़ी की हो जाएगा हाँ जी सुंदर भाई साहब जो गलबात चल रही हैगी हुण तक जोड़ी गल आई क्योंकि ये बड़ी मिसइंटरप्रेटेड हैगी जो पौड़ी हैगी पौड़ी जी असी गल की है कि ये तो जो लिखा हुआ पंडित केशव की जी गल करने से केशव गोपाल पंडित की गल करते हैं तो वह यही सोच लिया कि जी कोई पंडित जोड़ा है सो वर्बैटम जो लिखा गया उसनों ही असी समझे ना कि वह भाव अर्थ की है उसनों उसनों समझिए जी। ये अगे छेवीं पौड़ी लास्ट पौड़ी है जी। छेवीं पौड़ी के पाठ सतगुरु जी लिखते कहते सतगुर पुरख जी बोलिया गुरसिखा मन लई रजाए जियो मोहरी पुत सन्मुख होया रामदासै पैरी पाए जियो सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया कोई कर बखीली निवें नाही फिर सतगुर आण निवाया हर गुरह भाणा दी वड्याई तुर लिखिया लेख रजाए जियो कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो। आखिरी पदा सुंदर दा कवि का नाम आया जी, जी। इस दे अर्थ जो कहिंदे बाबा सुंदर जी साहब जी कहिंदे ने कहिंदे जदों सतगुरु गुरु अमरदास साहब जी ने वचन किया कि सारे गुरु रामदास जी दे चरणी लगन तां गुरसिखा गुरु रामदास अमरदास जी दे हुक्म दा पालना कीती मान लिया सब तो पहला
गुरु अमरदास साहब जी के पुत्र बाबा मोहरी जी गुरु रामदास जी के पैरी पै तो पै पैरी पै के पिता के पास सामने सुरखरू होए जी आके आ खलोते। गुरु रामदास जी विच गुरु अमरदास जी ने अपनी आत्मा टिका दी। इस वास्ते सारी लुकाई गुरु रामदास जी के पैरी आ पई। जे कोई निंदा करके ईरखा करके पहला नहीं सी निव्या उसनू भी गुरु अमरदास जी ने लिया के आ रामदास जी के पैरी पाया है। सुंदर आखदा है कि हे संतो सुनो अकाल पुरख ते गुरु अमरदास नू यही चंगा लगा कि उन्हें गुरु रामदास जी नू वड्याई बख्शी। तुरों अकाल पुरख का यही हुक्म लिखिया आया सी। इस वास्ते सारा जगत गुरु रामदास की पैरी पिया है जी। इस सतगुरु गुरु रामदास साहब जी दे गुरता देण दा वी विच आ गया जी। जी बिल्कुल इहदे विच आ गया। हाँ जी। सो हुणे जो कुछ असीं सरवण कीता जी छे पौड़ियां दे विच दो एपीसोड्स जो कवर कीता है हुण इहदे विचों की सिखण दी की लोड़ हैगी? एक ही गल है जी बेसिकल कि असीं केवल शब्द पढ़ीए ना, शब्द दे विच जो लॉजिक है जो गुरु दा उपदेश है जी उसनू समझण दा यतन करिए। ते केवल समझ लैणा काफ़ी नहीं। हुण मैनूं पता है कि किते शब्द विच किते छाल नहीं मारनी सट लगेगी, पता लग गया अग नहीं फड़नी जी। पता लगना अग ना फड़ना दो दूसरी काम है। सतगुरु जी का जिवें शब्द का पता लगा है वे सतगुरु जी का उपदेश यह है कि मृतक प्राणी दे नाल ना कोई दीवा फुल है पौने ना किते करना है। सानू ज्ञान पता तो लग गया पर इसकी प्राप्ति उदों होएगी जदों इसनू अपने असीं कर्मां विच लैके आ। बिल्कुल जी। जिस तरीके नाल इस समय ये चीज़ां प्रचलित ने इस दे उत्ते रोक लानी एक बड़ा वड्डा एक टीचा हैगा जिहड़ा कि सारे कौम नूं सोचना पएगा इहदे वास्ते। इवें है जी वी रोक लाउण लई इह मनुख पहलों आपणे तों शुरू करे, आप गुरमत दा धारनी बण जाए, परपक्ता आ जाए जी अपने कर्मां च। सखिमा करियो मैंने जी ये गल करन लगा है कौन कह जी मेरे भाई साहब जी इदां संसार तुर गए, मौत होई, असीं कोई भी क्रिया नहीं करन दित्ती, कोई भी क्रिया नहीं करनी। इतों तक एक बंदा कहता गऊ मरसनी, बिल्कुल नहीं मरसनी, बिल्कुल अंगीठा उवें संभाल के सारा किया, कोई चौथा नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ साल तो बाद वरीना वरूना कुछ नहीं, उदनी सब फाइनल अरदास हुई है, बस यही प्रवाह नहीं जी। असी आप ही घर में जो साढ़े होंगे है उदों साड़ी गुरमत जी है पैरे तो खिसक जाने असं, ठीक असली गल नहीं। तो जो एक आ गया दो आ गए तो थोड़े तो काफिला बन गया तो आपे मसला हल हो जाए। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਹਾਈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ 604-603-7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ harpreet singh show@gmail.com।